अब तक हमने डिस्कस किया है मूलों के कितने मूल होंगे, जितने घात के समीकरण है बहुपदी समीकरण अगर उतने ही उसके उतने ही मूल निकल के आते हैं। फिर बात है मूलों की प्रकृति, वास्तविक है, परिमेय है, काल्पनिक है। अब हम बात करने जा रहे हैं मूलों की स्थिति। स्थिति से मतलब ऐसा है कि भाई मूल दो से बड़े हैं, चार से छोटे हैं, धनात्मक हैं, ऋणात्मक हैं, मतलब वो रहते कहां पर हैं, उनकी स्थिति कहां पर होगी, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और द्विघात समीकरण का यही टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको समझने में थोड़ा ध्यान रखना क्या मैं बोलता जा रहा हूं। मूलों की स्थिति जब हम बनाने जा रहे हैं, ये है हमारी समीकरण y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघात ए बी सी वास्तविक है और a का मान जीरो नहीं है, ठीक है। पहला केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं जब दोनों मूल k से अधिक हो, एक संख्या है k उससे ज्यादा आने चाहिए। अब सुनो, दोनों मूल k से अधिक हो मतलब हमने तुलना कर दी, क्यों जो मान आएगा उसका मान k से ज्यादा आना चाहिए, काल्पनिक संख्याओं की तुलना नहीं होती। हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि दो आयोटा का मान पांच से बड़ा है, ये तो कुछ होता ही नहीं, ये तो कल्पनाओं में हम तुलना कह सकते, कल्पना तुलना तो इनकी की जा सकती है, इन दोनों की सात बड़ा या पांच बड़ा, ये थोड़ी कहते हैं आयोटा दो से छोटा है, ठीक है। तो पहली बात तो दिमाग में बैठा लो, काल्पनिक संख्याओं की तुलना नहीं होती, तुलना एक ही केस में होती है जब दोनों बराबर हो, तब कह सकते हैं वास्तविक भाग के बराबर है, काल्पनिक भाग के बराबर है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये बड़ा है या छोटा है। तो तुलना यहां पर हो रही है सीधा सीधा कि दोनों मूल कैसे अधिक है, तो ये बात अपने आप समझ में आ जाती है कि दोनों मूल कैसे हैं, फिर वास्तविक है, कैसे है वास्तविक है। हम केस डिस्कस कर रहे हैं जब a का मान जीरो से बड़ा है। अच्छा, ये रहा कहीं पर k, दोनों मूल k से बड़े हैं, इसका मतलब मूल कैसे आते हैं, वास्तविक मूल आएंगे तो पता चलिए कट करेगा वो मूल है, क्लियर। अब दोनों मूल जो आ रहे हैं अल्फा और बीटा, k से अगर ज्यादा है तो सीधी बात है इधर कट करेंगे क्या, इधर कट करते हैं तो अल्फा बीटा दोनों के मान k से कम हो जाते हैं, हमें क्या चाहिए ज्यादा, ज्यादा चाहिए तो किधर कट करेंगे, इस साइड। अब क्या इस केस में दोनों मूल इससे ज्यादा है, ये अल्फा है ये बीटा है, वास्तविक संख्या रेखा की प्रॉपर्टी की जो संख्या दाईं ओर आती हो बाईं ओर वाले से बड़ी होती है, तो अल्फा और बीटा का मान के से ज्यादा है, ऐसा भी। अब देखो यहां पर यह नहीं बोला कि दोनों मूल समान है या असमान है, अगर मैं यही डायग्राम ऐसे बनाऊं तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ये अल्फा ये बीटा है तो दोनों मूल समान है, लेकिन दोनों का मान इससे तो ज्यादा है, ये दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसको मैं ऐसे लिखता है कि दोनों विभिन्न मूल, तो इसका मतलब फिर ये नहीं बना सकते थे, अगर मैं लिखता दोनों विभिन्न मूल तो मतलब इस समान वाला केस हट जाता। अच्छा, क्वाड्रेटिक तीसरा ऐसे भी तो बनता, ऊपर ही रह जाए, ऊपर रह जाएगा तो कट करता दिख नहीं रहा, मतलब क्या है मूल कैसे है काल्पनिक है, काल्पनिक मूलों की हम तुलना कर नहीं सकते, तो फिर ये वाला केस नहीं बनेगा। अब ऐसा डायग्राम बने इसकी क्या कंडीशन होगी वो हम चाहते हैं, तो जैसा इन्होंने बोला कि दोनों मूल k से ज्यादा हो तो मेरा ऐसा डायग्राम बनेगा, दोनों मूल k से ज्यादा है, तो पहली कंडीशन d, क्लियर, या तो जीरो होगा से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा। दूसरा, इससे तो यह पता चलता है कट करेगा या टच करेगा, ये अगर दोनों मूल ही आगे हैं तो इसका मतलब यह भी डिसाइड हो गया कि उसका जो शीर्ष है वो भी आगे होगा एक्स निर्देशांक, तो माइनस बी बाय टू ए का मान के से ज्यादा होगा। अब बात यह है क्या ये दोनों कंडीशन सफिशिएंट है, समझना कैसे, डी ने तो इतना बताया है कि कट करेगा, इसने ये बताया कि ये वाला जो बिंदु है ना ये उस बिंदु के से आगे आना चाहिए, तो ये दोनों कहानियां तो इस केस में भी सही है, समझो, डी कट कर रहा है, माइनस वी बाय टू का मान के से ज्यादा आना चाहिए ना शीर्ष, इसका मान के से तो ज्यादा है, तो ये वाला डायग्राम में भी सही है, हमें तो यही चाहिए पर वो वाला नहीं चाहिए,
तो फिर क्या कंडीशन लेके आई जाए, यहां पर k पर अगर मान निकाला जाए तो वो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन अगर यहां पर k पर मान निकाला जाए कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। हमें कौन सा डायग्राम चाहिए, ये वाला, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, दोनों मूल इससे ज्यादा हो। यहां क्या हो रहा है, एक तो ये रहा एक ही रहा, मतलब एक मूल तो k से छोटा हो रहा है एक मूल k से बड़ा हो रहा है, लेकिन हमें ये वाला डायग्राम नहीं चाहिए। तो ऊपर वाली दोनों बातें तो इसमें भी सही है, तो फिर तीसरी कंडीशन और लगानी पड़ेगी, किस बात की, कि f ऑफ k पर मान इसका धनात्मक आना चाहिए, फिर ये रिजेक्ट हो जाएगा, बस हमारा यही वाला डायग्राम बनने वाला है। तो हमें बोला गया कि दोनों मूल एक संख्या है के, ये बहुत सारे सवाल बन जाएंगे, 5, 6, 10, 15 किसी से तुलना कर रहे हैं, ज्यादा आना चाहिए। तो पहला डी, क्योंकि तुलना हो रही है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक। फिर शीर्ष भी उससे आगे होगा, क्योंकि दोनों मूल जब आगे हैं तो शीर्ष भी आगे होगा। और तीसरी बात की, क्योंकि दोनों मूल हमें आगे चाहिए तो मतलब के पर उसका मान कैसा आना चाहिए, धनात्मक, 0 से ज्यादा। सेकंड, अगर मैं ये कहता हूं कि दोनों मूल के से छोटे हैं तो मतलब अब कैसा डायग्राम चाहिए, दोनों मूल के से छोटे हैं, ये रहा के, क्या दोनों मूल कैसे छोटे हो गए, अब यहां कट कर रहा है, यहां कट करेंगे तो इसका मान के से छोटा हो चुका है, ऐसा भी हो सकता है टच करके चला जाए, ये अल्फा है बीटा, तो मतलब क्या कंडीशंस बनेंगी, फिर सोच के बताओ, पहला डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दूसरा अब बताओ शीर्ष पर क्या फर्क पड़ा, पहले शीर्ष कैसा था, अब क्या होगा, के से छोटा होगा, और तीसरी कंडीशन के पर मान 0 से बड़ा आना चाहिए। तो बस दोनों मूल कैसे अधिक है, 3 कंडीशन, दोनों मूल कैसे छोटे हैं, ये 3 कंडीशन। आगे बढ़े, थर्ड केस क्या बना, एक मूल कैसे बड़ा हो तथा दूसरा मूल कैसे छोटा हो, इस लाइन को और कैसे कह सकते हैं, या हां मूलों के मध्य के स्थित हो, मूलों के मध्य के स्थित हो, कट कर रहा है अल्फा ये बीटा, यहां पर के है, बीच मत बनाना, साइड में भी हो जाएगा तो ही बात बन जाएगी, कैसे, इसका मान देखो के का, एक मूल से तो बड़ा है दूसरे मूल से छोटा है, ये तो ऊपर वाली लाइन, और समझने का दूसरा तरीका, दोनों मूलों के मध्य में के स्थित है। अब इसी कंडीशन लेके आते हैं, भाई डी ग्रेटर देन जीरो टच नहीं कर सकते, अब क्यों, टच कर दिया तो ऐसे बनेगा, यही अल्फा यही बीटा इसके बीच में कैसे लाएंगे, और भाई यही की बिंदु है, यही अल्फा है यही बीटा है बीच में क्या लेके आएंगे, ये तो बिंदु है तो ये तो केस बनेगा ही नहीं, और क्या हो सकता है, शीर्ष से कोई फर्क नहीं पड़ता, शीर्ष तो यहां पर, शीर्ष यहां पर है, के को मैं अगर इधर बना देता हूं तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्या हुआ, दोनों मूलों के मध्य ही तो है तब भी, तो शीर्ष से इसके ऊपर फर्क पड़ने वाला नहीं है, के पर मान कैसा आ रहा है, नेगेटिव, ये दोनों प्रतिबंध है, के पर कैसा मान आना चाहिए, नेगेटिव। अब एक बात और समझने की है, ये चला आ रहा कहां से, अनंत से, अनंत से मान धीरे धीरे कम होते होते माइनस में आ गया अगर के पर, तो जीरो भी तो आया होगा, हमारे बहुत ज्यादा प्लस में नंबर थे, हमने गलत सवाल करने चालू किए, मान नंबर कम होते जा रहे हैं, एक टाइम ऐसा है जब मान नंबर कैसे आ जाएंगे, जीरो, और फिर माइनस में चालू होंगे, तो ऐसे ही जब ये प्लस अनंत से चालू हुआ है, अगर के पर मान इसका नेगेटिव हो गया है तो वापस आगे जाएगा, फिर अनंत तो वापस जाएगा, तो अगर प्लस से माइनस हुआ है तो एक बार तो कट कर चुका है, और दोबारा फिर आगे जाके कट करेगा, तो वापस जाना कहां है इसको, अनंत जाना है। तो इन दोनों कंडीशन को चाहो तो दोनों लगा लो, वरना ये सिर्फ ये कंडीशन ही पर्याप्त है, यही पर्याप्त है।
सफिशियंट है। तो अगर हमें बोला गया कि दोनों मूल के से अधिक हैं तो तीन कंडीशन है, डी पर, शीर्ष पर और फलन के मान पर। दोनों मूल के से छोटे हैं तो भी तीन कंडीशन है, डी पर, शीर्ष पर और फलन के मान पर। और दोनों मूल में से एक मूल एक से छोटा है, दूसरा मूल दूसरे से बड़ा है, तो सिर्फ एक कंडीशन है। चाहो तो ये भी लगा लो, फर्क नहीं पड़ता, एफ ऑफ के लेस देन जीरो। लेकिन ये कब डायग्राम की बात कर रहे हैं, जब ए पॉजिटिव है, ठीक है, ए नेगेटिव हुआ तो फिर दूसरी कंडीशन आएंगी। तो इनको बस समझना ही है, याद नहीं करना। जैसे एक सवाल हम करते हैं, 4x² + 4α - 2x और α - 2 इक्वल टू जीरो, और अल्फा वास्तविक है ये हमें दे रखा है, और हमें अल्फा लेके आना है। अल्फा इस तरह से लेके आओ कि दोनों मूल इस समीकरण के वास्तविक धनात्मक आ जाए। कैसे आ जाए? धनात्मक हो। अब समझना, द्विघात है, दो मूल होंगे, दोनों कैसे चाहिए? पॉजिटिव। कोई संख्या, मूल मतलब एक मान जो इसको संतुष्ट करेगा, हमें कैसे चाहिए दोनों? पॉजिटिव। कोई संख्या पॉजिटिव है इसका पता कैसे चलता है? जीरो से बड़ी अगर हुई तो क्या पता चला, वो धनात्मक है, और जीरो से छोटी हुई तो क्या पता चला, ऋणात्मक है। तो मतलब जहां हम के की बात कर रहे थे, वो के वाला मान इस सवाल में क्या बन जाएगा? जीरो। कि तुलना किससे की जाएगी दोनों मूलों की? जीरो से। अच्छा, हमें दोनों मूल बोला, ये तो बोला नहीं कि विभिन्न होने चाहिए, समान होने चाहिए। ये रहा जीरो, ऐसा भी हो सकता है और टच करके भी जा सकता है। क्लियर? कितने प्रतिबंध आएंगे? तीन। कितना आएंगे? तीन। पहला डी, सेकंड -b/2a, आगे है जीरो से बड़ा, और तीसरा जीरो पर मान बड़ा आना चाहिए, किससे? जीरो से, धनात्मक आना चाहिए। डी का मान निकाल लेंगे हम, b² - 4ac, बस अब तो कैलकुलेशन है, तीनों का क्या लेंगे हम, इंटरसेक्शन बना लो। तो इसको मैं सॉल्व करता जा रहा हूं, जीरो से बड़ा आना चाहिए, ये दो, ये तीन, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, नंबर वन -b/2a माइनस बी एक्स का गुणांक अपॉन 2a, कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, अल्फा का मान 2 से बड़ा, दूसरा प्रतिबंध, जीरो पर मान जीरो जीरो, अल्फा माइनस 2, दो से बड़ा। इन तीनों का हम क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन दोनों का इंटरसेक्शन तो वैसे ही दिख रहा है, दो से बड़ा आना चाहिए, ये भी कह रहा है दो से बड़ा आना चाहिए। यहां पर दो से बड़ा मान ढूंढो, तीन से अनंत, ये तो छोटे मान है सारे, अल्फा का आंसर आ गया हमारे पास तीन से अनंत। तो बात यह बनी, अगर इस समीकरण में अल्फा का मान तीन से बड़ा रखा गया तो इस समीकरण के दोनों मूल धनात्मक होंगे।
सेकंड केस है, दोनों मूल ऋणात्मक हो, ऋणात्मक हो इसका मतलब ये हुआ अब जो कट करने चाहिए वो कैसे कट करने चाहिए, जीरो के बाईं ओर कट करने चाहिए। मूल काल्पनिक हुए तो हम उसको ऋणात्मक नहीं बोल सकते, मूल तो कैसे होना चाहिए, वास्तविक, तभी तुलना की जाएगी। ऐसा केस होगा तो क्या क्या प्रतिबंध आया, पहला आया डी पर, क्या जीरो से बड़ा हो, ध्यान समझना इन सब बातों को, ये परेशान करेंगे वरना आगे जाके, माइनस बी बाई टू अब इधर आ चुका है लेस देन जीरो। तीसरी बात, जीरो पर मान तो बना लिया करो ना पॉजिटिव। डी हम सॉल्व कर चुके हैं, क्या आया था व्यंजक इसका 16 अल्फा माइनस टू अल्फा माइनस थ्री, जीरो से बड़ा, क्या प्रतिबंध आएगा, माइनस अनंत से दो यूनियन तीन से अनंत। अच्छा माइनस बी बाई टू का मान बताओ, माइनस माइनस चार अल्फा माइनस टू अपॉन टू टाइम्स फोर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा का मान दो से छोटा आना चाहिए। और जीरो पर मान अगर हम देखें इसका, अल्फा का मान दो से बड़ा आना चाहिए। तीनों का इंटरसेक्शन कुछ नहीं आ गया, दो से बड़ा बोल रहा है दो से छोटा बोल रहा है, तो मतलब क्या हुआ, अल्फा बिलोंग्स टू फाइव, मतलब ये हुआ कि इस समीकरण के अल्फा के किसी भी मान के लिए दोनों मूल ऋणात्मक नहीं आ सकते, दोनों मूल ऋणात्मक नहीं आ सकते। अच्छा अब तक हमने डिस्कस किया दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक, ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि एक मूल धनात्मक हो और एक मूल ऋणात्मक हो, उस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मूल विपरीत चिन्ह के हो, मूल विपरीत चिन्ह के हो, इसका मतलब क्या आया, इस लाइन का मतलब एक मूल प्लस में हो एक मूल माइनस में, तो ग्राफ कैसे बनेगा, जीरो बीच में आ जाएगा, ये देखो ये वाला प्लस हो गया ये वाला माइनस हो गया, तो क्या प्रतिबंध है इसका, दोनों मूलों के बीच में अगर ये आ चुका है तो एक ही प्रतिबंध है, क्या एफ ऑफ के लेस देन जीरो, तो के जीरो पर इसका मान निकालो, अल्फा का मान दो से छोटा आना चाहिए, बस एक ही प्रतिबंध बहुत है। ये सोचो हम डी वाला भी कंडीशन लगा देते, क्यों एक प्रतिबंध बहुत है, तो ये वाला मान आता, आता है नहीं आता, ये कंडीशन लगाते हैं। और ये क्या बोलता, दो से छोटा, दोनों का क्या लेते इंटरसेक्शन, आंसर यही आता, ये डी और इसमें बोलता दो से छोटा तो उधर रिजेक्ट हो जाता, इसलिए मैंने बोला कि दोनों कंडीशन में ये एक अकेली कंडीशन ही पर्याप्त है, तो क्यों कैलकुलेशन ज्यादा करें। तो लॉजिक क्या दिया कि अगर एक बार मान इसका नेगेटिव आ चुका है तो ये तो कंफर्म बात है, प्लस से माइनस में आया है तो जीरो तो हुआ होगा, जीरो तो हुआ है तो डी की जरूरत नहीं है। तो अगर दोनों मूल एक संख्या से ज्यादा हैं तो तीन प्रतिबंध है, दोनों मूल एक संख्या से कम है तो भी तीन प्रतिबंध है, और दोनों मूल उस संख्या दोनों मूलों के बीच में संख्या आ जाती तो फिर एक प्रतिबंध। अभी तो हमने बात की कि मूल धनात्मक है, ऐसा बोलते हैं इसको हम, दोनों मूल एक बटा दो से अधिक है तब हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा, अब तुलना जीरो से नहीं होगी, किससे होगी, एक बटा दो से, तो ग्राफ भी आप किसका बना रहे होंगे, एक बटा दो का, एक बटा दो पे अगर बात करेंगे तो कहां कहां फर्क पड़ेगा, डी पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो शीर्ष वाला निर्देशांक है एक्स निर्देशांक, इसकी तुलना किससे होगी, एक बटा दो से, अब के का मान कितना हो जाएगा, एक बटा दो। अच्छा और एक बटा दो पर मान चेक करेंगे कि वो जीरो से बड़ा है या नहीं, यहां कितना आएगा, वन बाय टू, बस फिर इन तीनों को क्या करेंगे हम सॉल्व कर लेंगे, बनाते जाओ। ऊपर वाली कंडीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, वन बाय टू पर हमें मान निकालना पड़ेगा इसका,
एफ ऑफ हाफ पर मान निकाल लेते हैं, चार वन बाय फोर, थ्री माइनस अल्फा, तो यहां पर थ्री माइनस अल्फा की वैल्यू जीरो से ज्यादा आनी चाहिए, यानी अल्फा की वैल्यू तीन से छोटी आनी चाहिए। तो तीनों का फिर इंटरसेक्शन लिया, पहला दूसरा और तीसरा, क्या कॉमन आ रहा है? जो कॉमन आएगा वो आंसर है। तीन से बड़ा ये बोल रहा है, तीन से छोटा फाइव, मतलब इस समीकरण के दोनों मूल एक बटा दो से ज्यादा नहीं हो सकते। अब मान क्या आता है क्या नहीं आता उससे फर्क नहीं पड़ता है, कंडीशन लगानी आनी चाहिए। इंटरसेक्शन तो इन व्यंजकों पर निर्भर करता है क्या लिखा हुआ है। तो तीनों पर क्या फर्क पड़ा, शीर्ष आधे से बड़ा हो और आधे प्रमाण जीरो से बड़ा हो, तीनों का ले लिया हमने इंटरसेक्शन, कुछ भी कॉमन नहीं आया, मतलब इस समीकरण के दोनों मूल एक बटा दो से ज्यादा नहीं होंगे। अब अगला सॉल्व करते हैं, क्या दोनों मूल एक बटा दो से छोटे हों। तो तीन के बाद चौथा और यह है पांचवा, दोनों मूल एक बटा दो से छोटे हों, तो ये वाला बिंदु क्या बनेगा अब, वन बाय टू। तुलना किससे होगी, डी पर फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन शीर्ष एक बटा दो से छोटा है और एक बटा दो पर मान कैसा आना चाहिए, धनात्मक। ऊपर वाली कंडीशन एज इट इज, और इसका मान यहां तुलना की जाएगी आधे से, और यहां पर इसका मान बन जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, चार से चार कट गया, दो से दो कट गया, अल्फा माइनस टू लेस देन वन, अल्फा का मान तीन से छोटा आना चाहिए, ठीक है। और एफ ऑफ वन बाय टू का मान हम निकाल चुके हैं, कितना आया था देखो क्या निकाला है, थ्री माइनस अल्फा, जीरो से बड़ा आना चाहिए, इससे भी निकल के आया अल्फा का मान तीन से छोटा आना चाहिए। क्या है तीनों का कॉमन, तीन से छोटा, तीन से छोटा, तीन से बड़ा, ये तो चला गया, ये रहा माइनस अनंत से दो, माइनस अनंत से दो, अल्फा का अगर ये मान रहा तो इस समीकरण के दोनों मूल एक बटा दो से छोटे होंगे। और छठा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, छठा क्वेश्चन क्या रखें, पहले विपरीत चिन्ह बोल दिया था, अब क्या बोलें, दोनों मूलों के मध्य, दोनों मूलों के मध्य एक बटा दो हो, पहले क्या था दोनों मूलों के मध्य जीरो हो, मतलब चिन्ह विपरीत हो। अब हम ये कहना जा रहे हैं कि दोनों मूलों के बीच में क्या आना चाहिए, आधा आना चाहिए, यहां क्या आ जाएगा आधा, अब प्लस माइनस नहीं लगा सकते, तो एक ही प्रतिबंध आएगा क्या, एफ ऑफ आधा परमान नेगेटिव आ जाए, और एफ ऑफ आधे परमान कितना आएगा, एफ ऑफ आधा कितना निकाल के रख चुके हैं हम पहले ही, थ्री माइनस अल्फा लेस देन जीरो, यानी अल्फा का मान तीन से बड़ा आ जाए, और अगर ये अल्फा का मान हुआ तो दोनों मूल जो हैं उनके मान आधे से, एक का मान आधे से छोटा होगा और एक का मान आधे से बड़ा होगा। अब सोचो अगला सवाल बनाने की, हम सोचेंगे आधे की जगह मैंने बोल दिया पचास से बड़े हो, क्या फर्क पड़ा होगा, पड़ेगा या पचास आ जाएगा, समझ रहे हो भाई, आधे से कोई विशेष प्रेम थोड़ी है, या पांच सौ लिख देंगे या माइनस आधा कर देंगे, एक बटा चार कर देंगे, कह देंगे दोनों मूलों के बीच में हजार आना चाहिए, तो क्या प्रतिबंध बनेगा, एफ ऑफ हजार लेस देन जीरो, दो करोड़, पच्चीस करोड़, पॉइंट दो 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 जीरो चला जा रहा, कुछ भी मान बता दिया, तो मतलब क्या है, के का मान बदलता जाएगा,
और जो प्रतिबंध है वो वैसे ही रहेंगे, ठीक है। बस होमवर्क देते हैं तुम्हें, बना लो इन सबको। इसमें कहाँ तक डिस्कस किया हमने शीट, क्या होमवर्क दिया था मुझे बता दो। डी टू तक दिया था, हाँ, और